खबर उत्तरकाशी से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सियालकारा टनल में फंसे 41 मजदूरों का इंतजार बढ़ गया है। सुरंग के अंदर एमएस पाइप डालने के लिए काम कर रही आगर मशीन के ब्लेड रविवार सुबह फेल हो गए। इसके चलते सुरंग में फंसे मजदूरों का इंतजार बढ़ गया। अब पहले से तैयार प्लान बी के तहत पहाड़ के ऊपर सुरंग के अंदर वर्टिकल यानी सीधी खुदाई की जाएगी। इस कार्य में 7 से 8 दिन लगेंगे, ये ज्यादा कहा नहीं जा सकता। ऐसे में सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का इंतजार बढ़ गया है। वहीं परिवार के लोग चिंतित हो रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आगर मशीन फेल होने के बाद किस तरह सियालकारा टनल के आसपास का माहौल है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित सियालकारा सुरंग में काम करने समय दीपावली के दिन सुबह अचानक सुरंग के अंदर भूस्खलन होने से सुरंग के मुख्य रास्ते में 70 मीटर तक मलबा जमा हो गया था। इसके चलते सुरंग के अंदर 41 मजदूर फंस गए थे। मजदूरों को सुरंग के अंदर फंसे हुए आज 15 दिन हो गए, लेकिन रेस्क्यू टीम का अभी कोई भी प्लान सफल नहीं हो सका है। ऐसे में सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों में तो बेचैनी है ही, उनके परिवार के लोग भी काफी परेशान। पहले से तैयार प्लान बी के तहत अब सियालकारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए सुरंग में पहाड़ के ऊपर से नीचे ड्रिंग का कार्य भी किया जाएगा। ये कार्य कुछ मशीनों द्वारा होगा और कुछ मैन्युअली होगा। वर्टिकल ड्रिलिंग पहाड़ पर ऊपर से नीचे सीधे खुदाई में कम से कम 7 से 8 दिन का समय लग सकता है। अंतर्राष्ट्रीय टनल एक्सपर्ट एनरोल डिस्क भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सियालकारा टनल पर मौजूद है। डिस्क का कहना है कि सुरंग के भीतर मजदूर सुरक्षित हैं, हम क्रिसमस तक सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल पाएंगे। डिस्क के बयान के मुताबिक फंसे मजदूरों को निकालने में अब 1 महीने का समय लगेगा। उत्तरकाशी के सियालकारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अमरीकी आगर मशीन से 21 नवम्बर को ड्रिलिंग शुरू की गई, लेकिन 5 दिन बाद 48 मीटर पर मशीन जवाब दे गई। लोहे के गार्टर से मशीन के ब्लेड टकराने के बाद ड्रिलिंग को रोक दिया गया। अमरीकी आगर मशीन के ब्लेड पूरी तरह से खराब हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।